if determinant of this is equal to square of a determinant delta of the third order, then delta is equal to. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारे पास में जो डिटरमिनेंट है, पहले मैं उसको देखता हूँ, ठीक है? तो उसको देखने के लिए मेरे पास में क्या बनता है, यहाँ बनता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर देखेंगे यहाँ पे आ गया ए इंटू बी, फिर आ गया ए इंटू सी, यहाँ पे आ गया हमारे पास में बी इंटू ए, फिर आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन आ जाएगा बी सी, देन आ जाएगा ए सी, फिर आएगा प्लस में सी बी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ओके, अब इसको हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें क्या मिले, हमें ये किसी दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन का मतलब का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो। तो ये मैं अपनी दो डिटरमिनेंट्स से लिख लेता हूँ, ठीक है? तो मेरी दो डिटरमिनेंट्स मैंने लिख लिए यहाँ पे। अब सी, सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब देखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमें पता है हम फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे आइदर ऐसा होगा, यहाँ पे अगर बीच में बी है तो यहाँ भी मुझे बीच में सी चाहिए, और यहाँ पे सी है तो यहाँ भी मुझे बीच में सी चाहिए, ठीक है? तो अगेन ऐसा अगर हम देखेंगे तो बी और सी वाली टर्म चाहिए, ए वाली टर्म नहीं चाहिए, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो अगेन अगर मैं फर्स्ट टर्म को यहाँ पे जीरो लूँ, ऑप्शन देख करके मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ मैं जीरो लूँ, इसे अगर मैं सी लूँ और इसे मैं बी लूँ, तो ऑटोमेटिकली ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी जीरो सी और बी, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सेकंड एंट्री चाहिए ए बी के इक्वल, तो मुझे इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा कि मुझे ए बी मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन सी को मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ जीरो ही चाहिए, एंड देन ए बी के लिए इस बी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ जीरो है और यहाँ ए है, तो यहाँ भी क्या जाएगा, यहाँ भी जीरो होगा और यहाँ भी ए होगा, ठीक है? और यहाँ पर भी क्या जाएगा हमारे पास में, यहाँ भी सी होगा, यहाँ भी बी होगा, ठीक है? तो हमारी डिटरमिनेंट, मैंने ऐसा कैसे बोला, क्योंकि हमने डेल्टा स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ जीरो सी भी था और यहाँ ऐसे जीरो सी भी था, तो ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए बोल दिया। तो अगर यहाँ सी भी था तो यहाँ भी सी भी होगा, ऑब्वियसली सेम मैट्रिक्स है तभी तो स्क्वायर होगा। अब नीचे वाली एंट्रीज हमने देखा कि अगर हमें सेकंड एलिमेंट क्या चाहिए, ए बी के इक्वल चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सी जीरो को अब मैं यहाँ किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन यहाँ जीरो सी भी था तो यहाँ भी जीरो सी भी होगा, तो सी जीरो को सी से मल्टीप्लाई करने पर आ गया जीरो। अब सी को अगर मैं किसी ए बी या सी से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास कोई टर्म आ जाती, बट मुझे क्या चाहिए था, जीरो चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए बी की टर्म है, सी की टर्म ही नहीं है, तो इसे जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया ए। अब थर्ड वाली टर्म में देखेंगे, थर्ड वाली टर्म में हमें क्या चाहिए, ओनली ए सी, तो जीरो को बी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया बी। अब सी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो सी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ए से, ठीक है? तो अगेन मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखा ए सी, फिर बी को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरो से। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आएगा सी जीरो ए एंड बी ए जीरो। अब देखते हैं बाकी के एलिमेंट्स हम क्रॉस चेक करते हैं, तो क्या ये आते ही नहीं आते, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस एलिमेंट के लिए, तो क्या आएगा, सी इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू सी इज सी एंड ए इंटू बी इज ए बी, तो ये करेक्ट हो गया। अब सेकेंड के लिए चेक करते हैं, तो जीरो इंटू सॉरी सी इंटू सी इज सी स्क्वायर, जीरो इंटू जीरो इज जीरो एंड ए सॉरी ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड के लिए चेक करते हैं, तो सी इंटू बी इज बी सी, जीरो इंटू ए इज जीरो एंड ए इंटू जीरो इज जीरो, तो हमारे पास में क्या गया, ओनली बी सी। तो इस तरीके से हम देखेंगे थर्ड अभी भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट जीरो सी बी, फिर आएगा सी जीरो ए, देन आएगा बी ए जीरो, इसका होल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर इज हमारा ऑप्शन ए। ओके।